नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो तीसरे चरण का मतदान होना है उसमें जो 10 सीटें हैं उसमें से 8 सीटों की बात हम लोग कर चुके हैं और अभी 2 सीटें बाकी है। आखिरी सीट जो हमने बात की थी इससे पहले वो थी मैनपुरी, मतलब मुलायम सिंह यादव। तो इस चरण की सीटों में ये भी है कि हर सीट की किसी न किसी नेता के साथ एक पहचान जुड़ी हुई है और वो उन्हीं सीटों की कहें कि उस पहचान के साथ ही वो सीट भी उसी नेता की जो स्थिति होती है उससे तय होती है कि क्या परिणाम होंगे। और एटा की अगर बात करें तो एटा से राजवीर सिंह सांसद हैं, कल्याण सिंह के बेटे हैं और क्योंकि ये सीट कल्याण सिंह के प्रभाव वाली मानी जाती है और किस कदर मानी जाती है उसको ऐसे समझिए कि 2009 में जब इस सीट पर कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके लड़ने आए तो समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया और उस वक्त जो देवेंद्र यादव यहां से लड़ते थे समाजवादी पार्टी के तो उन्होंने नाराजगी में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। ये मतलब इसको समझना पड़ता है। जब सीटों की हम बात करते हैं तो कई रोचक समीकरण सामने आते हैं और देवेंद्र यादव वहां चले गए हालांकि कल्याण सिंह यहां से जीत कर पहुंचे थे। तो कुल मिला के ये स्थिति इस सीट की अगर हम कहें अभी क्या है कि देवेंद्र यादव फिर से लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तौर पर, तो सपा बसपा दोनों के प्रत्याशी हो गए और भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह हैं। राजवीर सिंह मतलब कल्याण सिंह के बेटे, कल्याण सिंह की विरासत, कल्याण सिंह मतलब वो जिन कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो बदली राजनीति है उसके वो नेता हैं। और बड़ी एक कमाल की बात है, जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में विभाजन होना चाहिए, बड़ा बदलाव है, अलग अलग है, वो पूरब पश्चिम की बात खास करके करते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश की जो राजनीति के नेता होते रहे हैं यानी जो किसी पार्टी के नेता हों या फिर मुख्यमंत्री बनते रहे हों, वो सब कौन लोग रहे? कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव और मायावती, फिर अखिलेश यादव, ये सारे के सारे नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। तो इनको पूरब ने बड़े मजे से स्वीकार किया। तो उत्तर प्रदेश की ये विविधता उसकी ताकत है। उसको जो बांटने की बात करते हैं वो बेवकूफ किस्म के लोग हैं, जो बेहूदी राजनीति करते हैं, ऐसे लोग हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा है कि नेताओं को इतने तरह के लोगों को साधने का एक दबाव रहता है, तो वो वरना एक क्षेत्र में रहने वाला तो अपनी क्षेत्रीय भावना की बात करता है, उसी पे राजनीति करता है, तो ये है। लेकिन खैर, तो एटा सीट की अगर हम बात करें तो 2014 में राजवीर सिंह को यहाँ 51% से ज्यादा यानी कि पौने 5 लाख मत मिल गए थे और वो 2 लाख से ज्यादा मतों से जीत गए थे। अगर उस वक्त की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का मत भी अगर मिला दें तो भी जो है वो राजवीर सिंह से वो जीत नहीं पाते क्योंकि 51% से ज्यादा मत उनको मिल गए थे, जो मत पड़े थे उसका 51%। और अभी यहाँ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ रैली कर चुके हैं और उस रैली में एक जो बड़ी जिसको कहते हैं कि रोचक बात कही है नरेंद्र मोदी ने, उसके बारे में अगले किसी वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। ये मोदी शाह की नई रणनीति है। लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नेताओं ने यहाँ की जनता को जातियों में बांट दिया लेकिन यहाँ की जनता राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर एकजुट हो जाती है और वो सबको सबक सिखाएगी। तो अब 23 अप्रैल को जब मतदान होगा तो वो कितना नरेंद्र मोदी की बात सुन रहे हैं उससे तय हो सकता है कि किस तरह से जाएंगे। यहाँ अमित शाह भी प्रचार कर चुके हैं क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न है। कल्याण सिंह भले 2009 में मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक दांव खेलते हुए जो कि भाजपा से बगावत करके उन्होंने पार्टी बनाई थी, अब तो राज्यपाल रहते हुए कल्याण सिंह कह देते हैं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, हालांकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई वैसी नहीं हुई और वो मामला अभी भी राष्ट्रपति के पास लंबित है। लेकिन कुल मिलाकर ये इस सीट का समीकरण है और बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होती दिख रही है क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूँ कि इस सीट पर, और अगर हम देखें कि पहले क्या स्थिति थी तो 1989 से 1998 तक 4 बार महादीपक सिंह शाक के भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत चुके हैं। तो इससे भी आप समझ चुके सकते हैं कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कैसा है, क्योंकि यादव बिल्ट के बीच में ये एक ऐसी सीट है और देवेंद्र सिंह यादव 1999 और 2004 में जीते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर और 2009 तो मैंने आपको बताया है कि कल्याण सिंह ही जीते थे खुद समाजवादी पार्टी के समर्थन से। तो कुल मिला के ये गणित है एटा सीट का।